गजानन भाई सुबह सुबह डबरी पे। अरे राकेश भाई आज शादी की सालगिरह थी तो याद नहीं रहा, तो बीवी ने शादी भी नहीं थी तो आना बड़ा फिट है। अरे मामा एक चाय लेना बड़ा, पैसे मेरे खाते में नहीं गए। आओ ठीक है ना देता हूँ। अरे हाँ भाई जल्दी से दे दे यार। अरे गजानन भाई वो घर का नहीं है, झंडा पुराना हो गया था, वो ताजबाग जा रहा था नया झंडा लाने। आधा थोड़ा ताजबाग से गजन भाई झंडा कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है ना, पर आपका झंडा इधर था ना? नहीं इधर वाले कोने में लगा दो ना। नहीं अभी मेरे घर में भी पूजा है ना, तो मैं भी जाने वाला झंडा लाने। ठीक है गजानन भाई मैं वहां लगा लेता, इधर लगा दो भैया। अरे कैसे लग रहा है जाकिर भाई? लेकिन सही है कि नहीं? बराबर है ना भाई यार, अपना ऊंचा झंडा ही लगने को। अरे मैंने तो बोला था इनको उनकी मत सुना, मेरी कहा सुनती? अरे भाई ये वो अपना ऐसी बात कर रहे हैं, इसकी क्या सुन रहे हैं? अरे देखो याकीर भाई तुम्हारी ढेक चलने नहीं देगा, तुम्हारी ढेक मुझे खत्म कर देगा भाई। सच्चा क्या है तो देख लो क्या है ना साथ पर। गजानन की सुनू मैं आता हूँ। अब सही लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा शोर है भाई? अरे आपने तो अपना झंडा उधर लगा था जाके भाई। अरे गजानन भाई वो रोड से नहीं दिख रहा था ना, करके साइड में लगा लिया। ठीक है ना जाके भाई कोई बात नहीं, मैं उधर लगा दूंगा। अपने घर पे पूजा होगी, लोगों को पता कैसे चलेगा? जाकिर भाई के हिसाब से मत चलो, अपना झंडा अपने घर के ऊपर ही होना चाहिए। जानने में रोज नहीं था यार झंडा उधर क्या और इधर क्या, अपने छत के ऊपर अपना ही झंडा चाहिए। अपने बच्चों को डांटते और उसको बोल नहीं सकते? हाँ बोलता हूँ ना। जाकिर भाई ये क्या है, तुमने अभी तक क्या झंडा निकाला नहीं? तुम तो हाँ लगा रहे थे ना? नहीं मेरे को इधर ही लगाना है। नहीं झंडा तो नहीं निकालूंगा, मेरा घर मेरी मर्जी में कहीं भी लगाओ। अरे तो अपने घर के ऊपर लगाओ ना, मेरे घर के ऊपर क्या है? देख भाई गजानन रोड से मेरा झंडा दिखता है नहीं, लोग को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो यानी मैं तुम्हारा झंडा लेके गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया एक रुपए ना? तू क्या चाहता है कि भगवा उठा के मैं नमाज पढ़ूं? अरे ये मेरा घर है मैं इधर लगाऊंगा, तुम अपने घर पे लगाओ ना। पापा क्या हुआ पापा? तुम्ही पापा बसून का बोल होता? अरे मैंने तो बोला था इनको उनकी मत सुना, मेरी का सुनती? ये घर है जितने सांगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ क्यों मार रहे भाई उसको?
भाई इस बस्ती में मैं अकेला मुस्लिम हूँ, मैं झंडा लगाऊँ कहाँ? बात तो इसके ही बराबर है भाई, मेरा घर में क्यों लगा, तो अपने घर पे लगाना है। भाई मैं अपने घर पे लगा रहा, मैं कहीं भी लगाऊँ। तेरा घर कैसे हुआ? तू तो यहाँ पे किराए से रहता है, मैं भी यहाँ पे किराए से रहता हूँ। मैं क्या बोल रहा आज के दिन लगा नहीं देखा झंडा। तो भाई तुझे अभी तक वहाँ लगाया था ना, आज ही तेरे को यहाँ लगाने आया क्या? अरे अरे रुको रुको, रंगों के लिए झगड़ रहे हो ना तुम? भाई रंगों की बात नहीं है, धर्म की बात है, तुम नहीं समझोगे। मैं धर्म को नहीं समझूंगा। अरे तुम धर्म को नहीं समझ रहे हो। अरे कुछ वो हरा और भगवे रंग के लिए झगड़ रहे तुम? सागर बाब, थोड़ा सागर बाब। अरे क्या हुआ धीरज को, इधर आ थोड़ा। झंडा देखा, मेरे मम्मी ने कहा था तिरंगा ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए सभी धर्मों के कलर ना अपने में समाये हुए हैं। रंगों के लिए झगड़ रहे थे ना तुम? कौन सा रंग है आपका बताओ? हरा हरा है ना यहाँ से हरा कलर, और आपका भगवा है ना, भगवा कलर भी यहाँ पर है। एक घर में दो दो झंडे लगाने से अच्छे तुम तिरंगे को लगाओ। बराबर तो है पप्पो। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है, ये दोनों ही इंसान है। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस मेरा यही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। मेरे वतन ऐ वतन, मेरे वतन ऐ वतन।